हजारों की संख्या में यहाँ पे युवा से लेके सारे वर्ग के लोग यानी कि सड़कों पे उतरे हुए हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पूरा फांसी मिलना चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। रेप कांड में जो दोषी है उनको सजा दिलाने के लिए यहाँ पे लगातार हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। अच्छा सर, इसमें बच्ची की अभी क्या स्थिति है? सर बच्ची की स्थिति अभी भी नाजुक है, लेकिन खतरे से बाहर आने की स्थिति नाजुक है। और सारे लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, अपराधी को फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी फांसी होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। लोगों में काफी आक्रोश है, आक्रोश लोगों में काफी आक्रोश। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में, हजारों की संख्या में मशाल जुलूस निकाला गया है और सारे लोग की एक ही मांग है जो जो गैंग रेप किए हैं उनको यानी कि जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। जो गैंग रेप हुआ था उसको लेकर आज मशाल जुलूस निकाला गया है और कैंडल मार्च आज निकाला गया है पूरे रक्सौल में उस बच्ची के इंसाफ के लिए। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों ने यानी कि कैंडल मार्च निकालकर और ये जो रेप कांड में जो दोषी है उनको सजा दिलाने के लिए यहाँ पे लगातार हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। और ये रक्सौल में आप देख सकते हैं कितना हुजूम है यहाँ पे और सारे लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। लोगों ने मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में काफी आक्रोश है, आक्रोश लोगों में काफी आक्रोश। और सर आप लोग किस तरह की मांग है? हम लोग को जिसने घटना का भोगी हुए हैं उस लोग को मैं फांसी की सजा चाहना चाहता हूँ। अच्छा आप लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं सर? क्या उसके साथ है, बच्ची के साथ किस तरह से इंसाफ आप लोग चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए, जिसने ये घटना का परिणाम किया उसको फांसी चाहिए, ये कब तक हम लोग जुर्म सहते रहेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में, हजारों की संख्या में मशाल जुलूस निकाला गया है और सारे लोग की एक ही मांग है जो गैंग रेप किए हैं उनको यानी कि जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। और यहाँ पे तमाम ऐसे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, छात्र भी हैं और ये सारे लोग मशाल जुलूस निकाले हुए हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पूरा फांसी मिलना चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और लगातार आप देख सकते हैं कि रक्सौल की बेटी को आक्रोशित है और सारे रक्सौल की बेटी को इंसाफ मिले, रक्सौल की बेटी को आज इन्होंने बलात्कारियों को मशाल जुलूस निकाला गया। हम लोग दोषी को सिर्फ फांसी दिलाना चाहते हैं, सिर्फ फांसी हो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ कर और उनको यानी कि सजा दिलाने का काम किया जाए। और लगातार रक्सौल शहर के लोग यानी कि इस सड़कों पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे युवा से लेके सारे वर्ग के लोग यानी कि सड़कों पे उतरे हुए हैं और ये रक्सौल की सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द जो गैंग रेप में शामिल है उनको सजा मिल जाए। हम लोग आगे बलात्कारियों को फांसी हो, रक्सौल की बेटी को न्याय मिले, हम लोग दोबारा इसी घटना रक्सौल में फिर नहीं हो। अच्छा सर, इसमें बच्ची की अभी क्या स्थिति है? सर बच्ची की स्थिति अभी भी नाजुक है, लेकिन खतरे से बाहर आने की स्थिति नाजुक है। जितना जल्दी हो सके कार्रवाई किया जाए, पकड़ के उसको अंदर किया जाए, यहाँ तक हम लोग की मांग है कि उसको फांसी हो, हर हाल में फांसी हो, अपराधी को फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी फांसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, युवा को फांसी होना चाहिए। बलात्कारियों को